लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पटनायक, तुम इस वक्त कौन? पटनायक, सब खैरियत तो है? एवरीथिंग ओके? हाँ सर, वो अजय ने क्या हुआ अजय को? कुछ नहीं। तुम तो पूरे भीगे हुए। आओ अंदर, अंदर। कम कम कम। आर यू आउट ऑफ योर सेंसेस? हाउ कैन यू इवन थिंक अबाउट इट? अजय ने पूरी जिंदगी पुलिस डिपार्टमेंट को दी है, अपनी जान तक की परवाह नहीं की उसने, और जो तुम हो, जो उसी पे इल्जाम लगा रहे हो, जबकि हम सब जानते हैं कि उसकी वाइफ ने उसे धोखा दिया और वो उसे मारना चाहती थी। अजय ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई, उसे तो पता भी नहीं था कि उसे मारने वाले में उसकी वाइफ या भाई हो सकते हैं। और अगर उसे पता होता तो? सर, एक मिनट के लिए आप अपने आप को अजय की जगह पर रखकर देखिए। एक आदमी जो अपने भाई को पाल पोस कर बड़ा करता है, एक आदमी जो अपनी बीवी को टूट कर चाहता है, और ये दोनों लोग उसकी पीठ पीछे अपना मुंह काला करते हैं, ऐसे में उस आदमी पर क्या गुजरेगी? वो हाथ पे हाथ धर कर बैठा रहेगा? उसको पता था पुलिस क्या लाइन ऑफ एक्शन लेने वाली है। इज अ पुलिस मैन, उसने अलिबाय तैयार किया है, उसने वक्त का इंतजार किया है। इट्स नॉट अ केस ऑफ सेल्फ डिफेंस सर, इट्स अ केस ऑफ मर्डर। पटनायक, अजय जैसा आदमी अपनी बीवी या भाई का खून कभी नहीं कर सकता। कोई सबूत है तुम्हारे पास? Have you got any proof? I have proof, sir. मुझे अजय से पूछताछ करने दीजिए, मुझे इंक्वायरी की परमिशन दीजिए। No, no way. अजय जैसे ऑफिसर के खिलाफ इंक्वायरी की परमिशन मैं तो कभी नहीं दूंगा। Sir, please. मेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि इस केस का इंचार्ज मैंने तुम्हें बनाया है। And now you are trying to settle your personal score. Personal score? No more discussion. He's my friend, sir. अभी इसी वक्त ये केस में रिया कर देता हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है। Now Disha will handle the case. Good night. विनय, अजय श्रीधर के केस का इंचार्ज अब मैं हूं। थैंक यू। हम में से एक पुलिस ऑफिसर जिसने पूरी जिंदगी पुलिस डिपार्टमेंट को दी, ड्यूटी पर गोली खाकर अपाहिज हुआ, तभी तक उस हादसे से वो बाहर नहीं आ पाया है। उसको सहारा देने के बजाय हम उसके सो कॉल्ड दोस्त उसको मुजरिम बरा के सलाखों के पीछे भेजना चाहते हैं। अच्छी तरह से ड्यूटी निभाई हम लोगों ने, इसके बदले में तो हमें गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। मोरे ये फाइल मुझसे छीन कर तुझे इसलिए दी गई है ताकि तू सच्चाई को समझे। जो वर्दी पहनकर शपथ ली थी वो कानून को बचाने के लिए ली थी, दोस्ती पर कविता लिखने के लिए नहीं। सो क्या गलत क्या सही, जो सोचो वही, क्या गलत क्या सही, तुम जो सोचो वही, फलसफा जिंदगी का है जुदा हर। हे अजय मेरे दोस्त, क्या गलत क्या सही, तुम बात अब तुम्हारी और मेरी नहीं रही, बात अब सही और गलत की है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। कल रात बी न्यूज को एक शख्स ने फोन करके बताया कि अंशिता श्रीधर और संजय की मौत हादसा नहीं बल्कि मर्डर है। पुलिस मामले पर पर्दा डालने की कोशिशों में जुटी है क्योंकि मामला एक आला अधिकारी अजय श्रीधर से जुड़ा हुआ है। हमें इस बात की जानकारी मिली है कि अंशिता श्रीधर और उनके कजिन के बीच नाजायज संबंध थे और इस बात की जानकारी अजय श्रीधर को हो गई थी। ये
ये आपके डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है देशमुख साहब? मैं आपसे बात करने ही वाला था। इनफैक्ट मैं खुद आकर होम मिनिस्टर साहब से मिलना चाहता था। इसकी कोई जरूरत नहीं, फिलहाल आप इंक्वायरी कमीशन की हेल्प कीजिए। सर, जानते हैं तो मुझे क्यों पूछ रहे हैं? सर, तो फिर पुलिस इस पर क्या एक्शन लेगी? नो कमेंट्स। सर, पुलिस ने पहले तो अजय श्रीधर को बचाने की कोशिश की और अब उनके खिलाफ इंक्वायरी कमीशन बनाया जा रहा है। नो कमेंट्स। अजय सर, जवाब दीजिए सर। तो अपना गेम तूने शुरू ही कर दिया। मीडिया का प्रेशर डाल के तुम इंक्वायरी कमीशन तो बिठा सकते हो। मीडिया के बारे में मुझको ब्लेम मत करिए सर। आई नो होम मिनिस्टर के पास जाके तुमने मेरी अथॉरिटी को चैलेंज किया है, लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ लो पटनायक, जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो ना, अजय का क्या होगा वो तो मुझे पता है, लेकिन शायद तुम नहीं जानते तुम्हारा क्या होगा। अभी अभी ज्ञात सूत्रों से पता चला है कि अजय श्रीधर की पत्नी अंशिता और उनके भाई संजय की मौत हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है। बताया जा रहा है कि अजय श्रीधर ने खुद षड्यंत्र करके उनका कत्ल कर दिया। होम सेक्रेटरी ने उनके खिलाफ इंक्वायरी कमीशन बिठाने का फैसला किया है, जिससे एक बार फिर अजय श्रीधर सवालों के घेरों में पड़ जाएंगे। पापा, और अब हम आपको होम मिनिस्टर के बेटा क्या हुआ? बेटा पापा, क्या हुआ? मुझे छोड़ के जा रहे हो क्या? नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जा रहा। तुझे हुआ क्या? पापा, अब जेल जा रहे हो क्या? किसने कहा? मेरे एक दोस्त ने। नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जा रहा। अब प्लीज मत जाना। नहीं बेटा। अजय, हम जानते हैं तुम किस मेंटल स्टेज से गुजर रहे हो, लेकिन प्रोटोकॉल इज प्रोटोकॉल। हमें उम्मीद है इस इंक्वायरी में तुम हमें पूरा सहयोग दोगे। इस केस के मद्देनजर आपके ऊपर कुछ चार्जेस हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर विनय पटनायक का मानना है कि आपको अपने कजिन और बीवी के अफेयर के बारे में पहले से मालूम था। प्लान उन्होंने नहीं, आपने बनाया। इट वॉज अ प्लान्ड मर्डर। अपने बयान में आपने मर्डर को सेल्फ डिफेंस कहकर पुलिस और कानून दोनों को गुमराह किया है। गिल्टी और नॉट गिल्टी? नॉट गिल्टी। विनय। यस सर। अजय, एक बात बताइए, आप चल सकते हैं? ये किस तरह का सवाल है विनय? हम सब जानते हैं कि अजय चल नहीं सकता, फिर ऐसा सवाल पूछकर तुम? सर, जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन, ओनली यस टू से यस और नो। मैं नहीं चल सकता। तो जब आपने गोली चलाई, आपके और उनके बीच में करीब इतना फासला रहा होगा? थोड़ा पीछे। करीब इतना? तो आप बेडरूम से व्हीलचेयर पे बैठे बैठे बाहर आए, उन्होंने आपको देखा, उन्होंने आप पर गोली चलाई, आपने डक किया, गोली व्हीलचेयर की बैक को फाड़ते बाहर निकल गई, राइट? राइट। फिर आपने पिस्तौल ड्रॉअर से निकाली, उन दोनों पे गोली चलाई, इसी व्हीलचेयर पे बैठे बैठे, एंड दे डाइड, राइट? राइट। होल्ड ऑन। यहाँ पर अजय कुर्सी पर है, दो लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ से अगर गोली चलती है तो ये कुछ इस तरह से जाएगी ऊपर की तरफ, ऑलमोस्ट 45 degrees। संजय को जो गोली लगी थी उसका मूवमेंट कुछ इसी तरह का है, ऊपर की तरफ। नाउ, इनकी बीवी को जो गोली लगी थी उसका एंगल पैरेलल है, पैरेलल टू द ग्राउंड,
180 डिग्रीज। और ये तभी हो सकता है जब आदमी खड़ा होकर गोली मारे। Why? Would you explain me this, Mr. Ajay? इससे पहले मैं अपने रिवॉल्वर तक पहुंचता, मेरे हाथ में जो आया मैंने उस पर फेंका और इसी तरह वो भी अपने घुटनों पर आ गई। तब मैंने गोली चलाई। 180 डिग्रीज पैरेलल, राइट? ये बात तुमने अपने बयान में पहले नहीं कही। जब तुम्हारी आंखों के सामने इतना बड़ा धोखा हो तब तुम्हें क्या याद रहेगा? क्या फेंका था? डॉल्फिन्स, शोपीस। एनी मोर क्वेश्चंस? नो मोर क्वेश्चंस। सर, मैं अपनी ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका जाने वाला था, लेकिन जब तक आप लोग मुझे क्लीन चिट नहीं देंगे मैं यहीं रुकूंगा। आई एम सरेंडरिंग माय पासपोर्ट। पापा, आर यू ओके? हाँ बेटा। यश, आपका होमवर्क बाकी है ना? हाँ। आप जाके कर लो। समझ में नहीं आता दादा ऐसे कैसे सोचते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उनसे बात करूंगी। I'm so sorry. Close up. आगे पीछे दोनों तरफ के, और जिस कमरे में क्राइम हुआ है उस कमरे के एक एक कोने के फोटोग्राफ। अपना दिमाग इस्तेमाल करने की कोशिश मत करो, उसको आराम करने दो, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो, और सुबह तक सारे फोटोग्राफ मेरे डेस्क पे चाहिए। एनी डाउट? Bloody dumb-headed creatures, I tell you. दादा, ये ड्यूटी नहीं है, कुछ और है। सब लोग मुझे कहते थे पर मैं मानती नहीं थी, लेकिन अब तो लग रहा है कि आप। क्या लग रहा है? मैं उससे जलस हूं? डिपार्टमेंट में उसकी जगह चाहिए मुझे? मैं उसे दुश्मनी निकाल रहा हूं? क्या लग रहा है तुमको? दिस इज अ ब्लडी केस ऑफ प्लान मर्डर। व्हाई कांट यू सी दिस? अंधे हो गए हो आप लोग? आप चाहते हो बेबी आपकी हामी हामी रहूं? हाउ कैन यू से दैट? क्या सबूत है आपके पास कि वो मर्डरर है? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो बेकसूर है? दादा, आई एम अ लॉयर। मैंने ये केस को स्टडी किया है। यू आर मेकिंग अ केस आउट ऑफ नथिंग। और इतने सालों साथ रहने के बावजूद आप अजय को समझ नहीं पाए जो मैं थोड़े दिन में समझ गई हूँ। समझ गई हो? एक्सलेंट। आदमियों की समझ के बारे में बहुत ज्यादा बात मत करो तो अच्छा है। अविनाश के बारे में तुम्हारी समझ को क्या हो गया? तब घास चढ़ने चली गई तुम्हारी समझ? दादा प्लीज। मैं कहता रहा राधिका, ये ठीक नहीं है, ये आदमी ठीक नहीं है। डोंट मैरी हिम, डोंट मैरी हिम। नहीं दादा, आई नो हिम, ही इज नाइस गाय, ही अंडरस्टैंड्स मी, ही अंडरस्टैंड्स यू। छोड़ के चला गया, सारी जिंदगी खराब कर दी तुम्हारी, फिर भी आदमियों की समझ के बारे में बात करती हो तुम? क्या फेंका था? डॉल्फिन्स।
ये पीस था? या तुमने उस दिन कहा था कि ये पीस तुमने उसको फेंक के मारा था और उसने डक किया। अगर फेंक के मारा था तो एक तो उसको टूट जाना चाहिए था, दूसरा इस समय ये पीस यहां पर क्यों है? पास ऐसे दो थे तो ये मर्डर स्पॉट पर हमको क्यों नहीं मिला? मुझे तो डाइनिंग टेबल के नीचे मिले। लगता है तुमने ठीक तरह से देखा नहीं। बस संभाल के रखा है इसको। These dolphins saved my life. Any more question? No. No more questions. अजय को इस खेल में हराना आसान नहीं था। मुझे सॉलिड एविडेंस की जरूरत थी। आई हैड टू थिंक लाइक अजय। अजय ने अंशिता और संजय को यकीन दिला दिया था कि ये प्लान फूल प्रूफ है। प्लान फूल प्रूफ था, पर उनके लिए नहीं, अजय के लिए। किसी ने तुम्हें आते देखा तो नहीं? ये बड़े साइज के जूते और कपड़े उन्होंने किसी न किसी मार्केट से जरूर खरीदे होंगे। फाइंड इट। गाड़ी कहाँ से हायर की होगी उन्होंने? कहीं गाड़ी हायर करने खुद अजय तो नहीं गए? स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। अजय ने हर जगह संजय और अंशिता को भेजा था ताकि इन्वेस्टिगेट करते समय हम अजय तक ना पहुंच सके। ये गन कहाँ से मिली इसका पता लगाना होगा। बोलो सर, वो उसका पता लग गया। किसका पता लग गया? गन डीलर का सर। उसको मेरे पास ले गया। ओके सर। चलने की तैयारी करो, हमें अरेस्ट के लिए जाना है। कहाँ जाना है? विनय अंकल, आप? यस, हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। आप कितने दिनों बाद आए? एक मिनट। पापा, पापा, विनय अंकल आए। बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ। कम यश।
अजय आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, वारंट है हमारे पास। यू कांट डू दैट। मैं जानती थी आप कभी भी ऐसा कर सकते हैं। एंटिसिपेटरी बेल। तुमने प्रैक्टिस फिर से कब शुरू कर दी? अभी से। दादा आपको जो सही लग रहा है वो आप करें, और इनके लॉयर होने के नाते मुझे जो सही लग रहा है वो मैं करूंगी। I'll see you in court. See you in court. Okay.